How to fix Vivo Y15 message not sent problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Vivo के फ़ोन पे यदि आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं और मैसेज सेंड करते आपको बताते हैं मैसेज नॉट सेंट, ठीक है, तो इसको आप कैसे करके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और ये जो प्रॉब्लम है आपको किस वजह से आ रहा है, तो ये सब कुछ दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है, हम किसी को मैसेज सेंड करते रहते हैं और वो मैसेज जाते नहीं है, यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखने को मिलता है कि मैसेज नॉट सेंट, ठीक है। तो आपको भी इस तरह का कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो सिंपली इस वीडियो को देखें, जानिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, तो उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारे साथ दोस्तों बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर हमें मैसेज कर सकते हैं आप ट्विटर पर। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ पर कि प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है, प्रॉब्लम जानने के बाद हम सॉल्यूशन को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैसेज सेंड करने के लिए आपके पास 1 रुपये होना ज़रूरी है, ठीक है। यदि आपके पास जो है कोई भी बैलेंस नहीं है, मैसेज बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर मैसेज सेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आपने अनलिमिटेड कॉल लगा दिया है और आपके पास मैसेज का जो यहाँ पर बैलेंस है वो है ही नहीं है, तो आपका मैसेज नहीं जाएगा। आपके पास कम से कम 1 रुपये होना चाहिए तभी आपका मैसेज जाएगा। और जो भी बंदे को आप मैसेज कर रहे हैं उसका नंबर चेक कीजिए, नंबर को डबल चेक कीजिए, नंबर यहाँ पर गलत भी हो सकते हैं, नंबर गलत पर भी मैसेज नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आपको यह सब एक बार देख लेना है। और दोस्तों आप यहाँ पर 3-4 लोगों को मैसेज भी करके देखिए यदि आपका मैसेज नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ब्लॉक का प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, यदि कोई आपको ब्लॉक कर देते हैं तो भी मैसेज नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर होते रहते हैं। और कभी कभी जो है यहाँ पर सर्वर का इशू भी होते हैं, तो सर्वर का इशू होने से दोस्तों वो प्रॉब्लम जो है अपने आप ही फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों जो भी मैंने यहाँ पर बताया उसको एक बार ध्यान से चेक कीजिएगा, ठीक है, ध्यान से चेक कीजिए, अपना नेटवर्क वगैरह को चेक कीजिए, नेटवर्क का इशू होने से भी मैसेज नहीं जाते हैं और आप जो भी नंबर पर कॉल करें वो वैलिड नंबर होना चाहिए, ठीक है, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो दोस्तों ये था एक रीज़न, ठीक है, ये है रीज़न जिसके वजह से मैसेज सेंड नहीं हो पाते। अभी दोस्तों सॉल्यूशन के बाद आते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग पर, ठीक है, उसके बाद जाके दोस्तों स्क्रॉल डाउन कर लें। यदि आपका नेटवर्क काफ़ी अच्छा नहीं है तो एक बार डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क पर जाके अपना सिम को ओपन करें, नेटवर्क मोड पे जाके नेटवर्क को स्विच करके एक बार मैसेज सेंड कीजिए, ठीक है। कभी कभी 4G में जो मैसेज ना नहीं जाते वो 2G से भी चले जाते हैं, तो आप वो सब चेक करके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आके सिस्टम मैनेजमेंट को ओपन करना है, रिसेट यहाँ पर जाना है, ठीक है, बैकअप एंड रिसेट, उसमें जाके रिसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करना है। रिसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल पासवर्ड भर देना है और नीचे में जो रिसेट सेटिंग है उसमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नेटवर्क सेटिंग रिसेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप सिंपली यहाँ पर बैक कीजिए और नीचे जाके एप्लीकेशन एंड परमिशन को ओपन कीजिए, ऐप मैनेजर को ओपन कीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन मैनेजर पर जाके आपको ऐप मैनेजर ओपन कर लेना है। उसके बाद नीचे में जाइए, नीचे आपको यहाँ मैसेज पर जाना है, ठीक है, आप इस मार्क को देख सकते हैं यहाँ पर, उसमें आपको क्लिक करना है। मैसेज पर जाके फोर स्टॉप करके ओके कीजिए। इंटरनल स्टोरेज पर जाके यहाँ पर क्लियर डेटा का ऑप्शन तो नहीं है, बस क्लियर कैश कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर कैश वगैरह करने के बाद आप यहाँ पर बैक कीजिए और यहाँ पर दोस्तों एक और सेटिंग है वो है रैम एंड स्टोरेज, उसमें जाके क्लीन अप स्टोरेज स्पेस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो ट्रेस है उनको क्लीन अप कीजिए, ठीक है, जो ट्रेस है यहाँ पर दोस्तों उनको क्लीन अप कर दीजिए। यदि बहुत ज़्यादा कैश जो है वहाँ पर आ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। तो वह सब करने के बाद डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कर ले, रिस्टार्ट करने के बाद ओपन कीजिए फ़ोन को, मैसेज करने की कोशिश कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, मैसेज यदि आपका सेंड
नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप दोस्तों एक बार अपना जो नेटवर्क ऑपरेटर है कस्टमर सर्विस उनको कॉल करके पूछिए कि प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है, आपके मैसेज क्यों नहीं जा रहा है। यदि कोई भी इशू है तो वो आपको डायरेक्टली बता देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है प्रॉब्लम को फिक्स कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आप पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।